हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे भाई। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:45 हो रहे हैं, ठीक है, और हम रेडी हो चुके हैं ऋषिकेश जाने के लिए। और भाई, आरुष कल जा चुका है ऋषिकेश स्कूल की तरफ से। मैंने आपको बताया था उसका टाइगांडो का कॉम्पिटिशन है, तो वो ऋषिकेश गया हुआ है। अब हम भी निकल रहे हैं और टाइम 7:45 हो गए हैं। तो भाई, आपको बाहर का नज़ारा दिखा लूँ। देखो, अभी तक उजाला नहीं हुआ है और भाई कोहरा भी कितना है, ये देखो। अभी तक उजाला नहीं हुआ है और भाई कोहरा भी बहुत है। इसका मतलब रोड पे बहुत ज़्यादा कोहरा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो सेफ्टी से चलेंगे। पहले इसको बंद कर देता हूँ। भाई, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है अंदर। हाँ, तो मैं रेडी हो चुका हूँ और वो लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं नीचे अब, और अपना टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि 11 बजे के बाद उसकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 11 बजे के बाद ना कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो पता नहीं है यार उसकी फ़ाइट कब तक होगी, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो भाई, बैग पैक हो चुका है, ये रहा, ये लोअर भी इसी बैग में डालना है। फिर उसके बाद चलो मैं नीचे चलता हूँ। तो भाई, मैं तो नीचे आ चुका हूँ और वो लोग नीचे नहीं आए अभी तक। मैं रेडी हो गया एकदम परफेक्ट, बाल वाल भी सेट हो गए, अभी बाल सेट नहीं थे मेरे। तो बैग लेके नीचे आ चुका हूँ, ये वाला बैग ले आया, ये तीनों लेके आ गया। अब इनको गाड़ी में रख देता हूँ। और गाड़ी पे भाई बहुत ज़्यादा उस जमी हुई है, दिखाता हूँ। देखो भाई, अभी भी उजाला नहीं हुआ है, हल्का हल्का होगा भाई, हल्का हल्का। ये देखो, पूरी गाड़ी गीली पड़ी है, पूरी गाड़ी। और पानी ऊपर से टप 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 कर रहा है उसका। तो चलो, उन लोगों का वेट करते हैं, एक दो मिनट में आते होंगे, फिर निकलते हैं हम अपना। यार तुम ना निकलो टाइम से, तुम ऐसे ही रहोगे। मैं जा रहा हूँ, आ जाना, ठीक है, बस पकड़ के आ जाना। हाँ, तो भाई गाड़ी में सारा सामान रख दिया है, ये देखो पीछे पूरी पैक हो गई पूरी। और भाई गाड़ी में मैंने मस्त हीटर चला दिया, एकदम गर्म हो गई है गाड़ी। टनाटन लग लो, गाड़ी हल्की सी साफ भी कर दी और कोहरा भी धीरे धीरे कम हो गया और उजाला हो गया पूरा। तो चलो निकलते हैं अब। तो भाई, जीजा जी गए सामने गेट खोलने के लिए। चलो चलो, अबे आ जाओ, गाड़ी में हीटर चला रखा है मैंने। पीछे पलट के देख रहे। जय माता दी, जय हो खाटू वाले बाबा की जय। पलट पलट के देख रहे हो जीजा जी, बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। भाई सुबह सुबह 7:30 बजे द्वारका फ्लाई ओवर पर बढ़िया वाला ट्रैफिक मिल गया। अभी देखते हैं आगे कहाँ तक है ट्रैफिक। ये बस स्टैंड गए, क्योंकि यहाँ बस स्टैंड है ना, इसलिए ट्रैफिक लगता है। ये बस खड़ी है। तो भाई कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही ज्यादा। वो तो गाड़ी जा रही है, हल्की हल्की दिख रही है बस। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ से मुजफ्फरनगर 40 किलोमीटर है। खुल गया भाई, खुल गया भाई, खुल गया। वो कई बार कैश नहीं करता ना। चलो भाई, लेकिन कोहरा अभी भी है, मतलब शहर के अंदर था मैं अभी। भाई देखो, इन लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, कैसे आ रहे हैं। ठंड लग रही होगी, ऐसा नहीं है ठंड नहीं लग रही। सारे सोकट रहे ऊपर। चद्दर उड़ रहे, कंबल उड़ रहे, कंबल। ठंड है भाई, लेकिन ये कुछ सामान वामान लेके जा रहे हैं कोई। देखो भाई, नींदे पूरी हो रही है, नींदे। दोनों मियां बीवी बेहोश पड़े कंबल।
तो भाई अभी भूख लग रही है और कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकता हूँ। अभी 129 किलोमीटर आए घर से और सोच रहा हूँ 150 के आसपास आ जाएगा तो गाड़ी रोकूँगा। तो चलो आगे देखो कोहरा कितना आ रहा है ज़बरदस्त। देखो भाई कोहरा मतलब अभी तक कम नहीं हुआ है और साइडों में खेतों में तो भाई दिख ही नहीं रहा कुछ। तो भाई अभी रुका हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए। पहले पेट्रोल पड़ा था गाड़ी में हाफ टैंक से ऊपर तो डलवा नहीं था। अभी मैं मुजफ्फरनगर पहुँचने वाला हूँ। 25 किलोमीटर रह गया मुजफ्फरनगर और भाई ऐसा लग रहा है यहाँ तो और भी ज़्यादा ठंडा, बहुत ही ठंड पड़ रही है यहाँ तो। और अभी गाड़ी से निकला हूँ तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम और कोहरा तो अभी कंटिन्यू ही है। चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर निकलते हैं अपने रूट की तरफ। तो पेट्रोल डलवा लिया भाई, पेट्रोल पूरा 2400 रुपये का आ गया। चल जाएगी कम से कम 400-500 किलोमीटर गाड़ी। अभी था हाफ टैंक से थोड़ा सा नीचे हो गया था मैंने फिर डलवा लिया, मगर ही आगे और ज़्यादा रुकना ना पड़ा इसलिए अभी डलवा लिया रुक के। तो चल रहे भाई भूख के कारण गाड़ी रोकनी पड़ी, बहुत तेज भूख लग रही थी और शेवा ढाबे पे रोक लिया गाड़ी। चलो कुछ खा लेते हैं भाई। रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, कपकपी छूट रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी पराठे का ऑर्डर दे दिया है, पराठे चाय का खा के निकलते हैं क्योंकि यार उसका कंपटीशन स्टार्ट ना हो जाए तो उससे पहले हमें पहुँचने की कोशिश करेंगे पूरी। इस रेस्टोरेंट के हाल है कि पहले पराठा आया है, चाय आई है बाद में। तो ये रखी हमारी चाय और हम खा रहे हैं। तेज लग रही थी, पराठा हम खा चुके पहले, चाय बाद में आई है इसलिए चाय पी रही, पहले पराठा खा लिया क्योंकि जल्दी भी हमें जल्दी। ये देखो ये दोनों ना धीरे 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 कुछ बातें कर रहे हैं। तो भाई 1.5 घंटे से सोते हुए आए गाड़ी में। भाई ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, भाई अपनी गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं। और आरुषि स्टेडियम पहुंच चुका है, अभी फ़ोन करके पूछ लिया हमने तो कहीं उसकी फ़ाइट ना निकल जाए, तो चलो पहुंचते हैं जल्दी से। हाँ जो उसकी फ़ाइट है भाई टाइकांडो की। तो यहाँ तो अभी कोहरा नहीं है, अब आगे देखते हैं आया नहीं क्योंकि कोहरा सारा पीछे रह गया। और ये हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं हम और जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश यहाँ से 26 किलोमीटर है। जब ऋषिकेश यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है और मेरे ख्याल फाटक के आगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो यहाँ से वो पता नहीं कितनी देर तक पहुँचेंगे वहाँ पर, बट देखिए ट्रैफिक देखो आगे कितना लगा हुआ है, पूरा जाम है आगे तक और पता नहीं कितना लंबा है। चलो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है यहाँ पर। भाई शॉर्टकट मार के सबसे आगे पहुँच गया, सबको पीछे छोड़ दिया रे बाबा। आगे है रेलवे क्रॉसिंग, इधर क्या है निकाल देता इधर से। चलो भाई रेलवे क्रॉसिंग तो हो गई, ये हो गई रेलवे क्रॉस। ये तो रही नीचे देखो पटरी, ये देखो नीचे उतर के देख लो। चलो इस पे कान लगा के देखो ट्रेन कितनी देर में आएगी। तो भाई अभी फिर से जाम में फंस चुके हैं और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, पिछले 5-7 मिनट से यहीं खड़े हुए हैं, पता नहीं कितनी देर में खुलेगा भाई। पूरे आ रहे हैं, चला भाई चला थोड़ा तो चला, और ये नहीं पता फिर रुकना पड़ेगा भाई। अभी तक जाम निकला है तो मैं भी रॉन्ग साइड ले लेता हूँ, जैसे बंदे ले रहे हैं ना रॉन्ग साइड, वैसे रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा हमें क्योंकि आगे पूरा जाम लगा हुआ है पूरा, पता नहीं कब तक खुलेगा इसलिए रॉन्ग साइड ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। सामने पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं, धूप तेज इतनी है, कोहरा सारा हट गया, सामने पहाड़ दिख रहे हैं हल्के हल्के। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं 7-11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेरे पीछे दीदी जी आजी वकील थी ये उतर के चले गए भाई। मैं पार्किंग की जगह ढूंढ रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं मिल रही पार्किंग की, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो भाई फिर दिक्कत वाला काम होगा। चलो पार्किंग लगाता हूँ फिर मैं भी चलता हूँ अंदर। तो भाई गाड़ी की पार्किंग तो मिल गई, गाड़ी मैंने लगा दी पार्किंग में और कई गाड़ियाँ आई हुई दिल्ली की। चलो अब एंट्री करते हैं
वो लोग चले गए, उन्हें भी ढूंढना है भाई किस तरफ है। भाई आरुष वो बैठा हुआ सामने, और अभी से पता नहीं है हम आए हैं क्योंकि उसको बताया नहीं है। इधर हो रही है फाइट, देख लिया आरुष ने। अभी यार उसकी फाइट का नंबर नहीं आया, अभी टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि अभी 12:10 ही हुए और हम भाई सही समय पे आ गए। अपना अभी दूसरे बच्चों की हो रही है फाइट, फिर जब आरुष की होगी तो देखना आप लोग भी और कमेंट करके बताना उसने फाइट कैसी करी है। चलो वेट करते हैं। भाई आरुष की जो फाइट है वो स्टार्ट होने वाली है, एक दो मिनट में दिखाता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स आरुष की फाइट आ चुकी है और आरुष का नंबर आ गया फाइट के अंदर। ब्लू कॉर्नर है आरुष का, शाबाश आरुष शाबाश। शाबाश आरुष शाबाश, गुड 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 गुड। शाबाश शाबाश शाबाश। तो भाई आरुष जीत चुका है। So now we have the final fight for pole. First round जीत गया। अभी आरुष की होने वाली है अभी final fight। अभी वो first round जीत गया। तो final fight होने वाली है, बस एक दो मिनट में उसका fight आने वाली है, एक दो मिनट में दिखाता हूँ आप लोगों को final। आ गया भाई आ गया। Red corner मिला उसे इस बार। First fight में blue था, अब final fight में red corner मिला भाई। चलो देखते हैं। तो आरुष की फाइनल फाइट आ चुकी है गोल्ड के लिए और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आरुष ही जीतेगा। अब देखते हैं कौन जीतता है, पूरी उम्मीद है आरुष से, आरुष ही जीतेगा। जीत गया आरुष, आरुष भाई फाइनल फाइट जीत गया गोल्ड की, मजा आ गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो आरुष गुड 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 गुड।
पानी पी लो। तो भाई आरुष की फाइट तो हो गई और वो फर्स्ट भी आ गया, लेकिन उसका जो मेडल है वो अभी नहीं मिलेगा। और भाई यहाँ तो शाम होती इतनी ठंड हो गई है, ठंड बढ़ गई है। और भाई आज सुबह से बैठे 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 हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। अब गाड़ी में थोड़ी देर आराम करने के लिए आए हैं, जैसे ही आरुष को मेडल मिलेगा ना तो जिया जी कॉल कर देंगे, फिर हम दोनों वापस चलाएंगे। फिर इतनी देर में दोनों ही हैं भाई आराम करने, और ये पैटीज ले आए हैं, पैटीज खा लेंगे। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं फिर जाएंगे अंदर। तो भाई वहाँ पे फाइट ख़त्म हो गई थी और आरुष भी जिस होटल में रुका हुआ है स्कूल की तरफ से, जहाँ बच्चे रुके हुए सारे वहाँ चला गया वो, हम लोग भी होटल में आ गए थे। तो भाई ये होटल का कमरा है और हमने अभी तहस नहस कर दिया सारा, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये देखो सर्दी कितनी लग रही है भाई। देखो भाई जो होटल का रूम है हमने तहस नहस कर दिया सारा, सब हिला दिया इधर से उधर। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे कुछ खाने के लिए, मतलब कुछ क्या है खाना खाने के लिए, सुबह से कुछ नहीं, पैटीज और दो तीन चाय में ही है। तो चलो नीचे चल के रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, फिर खाना खा के वापस आएंगे होटल में। अभी पहुंच गए हैं फ्रेंड्स रेस्टोरेंट, कृष्णा रेस्टोरेंट। अभी अंदर चल के देखते हैं क्या क्या खाने को। चले भाई ऑर्डर दे दिएगा, सबसे पहले चाउमीन आई है, नूडल्स, अभी बाकी का डिनर भी आने वाला है एक दो मिनट में, आते हैं तो फिर खा के चलते अपने होटल वापस। ये आगे कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, मटर नान और नूडल्स। तो भाई डिनर वगैरह करके आ चुके अपने होटल के रूम में। भाई सुबह 12 बजे से बैठे हुए थे स्पोर्ट्स क्लब में और अभी शाम को 6 बजे फ्री हुए हैं। तो आरुष अपने होटल रूम में चला गया था जहाँ पे भी सारे बच्चे रुके हुए हैं होटल में, और हम अपने होटल रूम में आ गए, फिर डिनर वगैरह हमने कर लिया। भाई आज के ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अपने नई वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।